महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमले के बाद ताज होटल को जो धमकी का फोन आया है उसके बारे में मुंबई के डीजी पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस से चर्चा हुई। उनको कड़ी सुरक्षा रखने की सूचना दे दी गई है। फिलहाल पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस नजर रखे हुए है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया है। इसमें सीआरपीएफ के 149 बटालियन के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि गोली लगने से एक नागरिक की मौत हो गई है। भारत और चीन के बीच कॉपर्स कमांडर स्तर की तीसरे दौर की बैठक 12 घंटे तक चली और रात के 11 बजे खत्म हुई। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है। कोरोना संकट के बीच बिहार के 5 जिलों में बिजली गिरने से हुई 11 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि अनुदान देने के निर्देश दिए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में कल तक कुल कोरोना के 86,26,585 सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 2,17,931 सैंपल कल टेस्ट किए गए। आज श्री अकाल तख्त साहिब का सृजना दिवस उत्साह सहित मनाया गया। श्री अकाल तख्त साहिब में श्री अखंड पाठ के भोग उपरांत हजूरी रागी जत्थे द्वारा ईश्वरीय वाणी का शब्द कीर्तन किया गया। जुलाई महीने के पहले ही दिन आम आदमी को झटका लगा है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,353 नए केस सामने आए हैं, जबकि 507 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई के लालबाग के राजा गणोत्सव मंडल ने इस बार कोरोना महामारी के मद्देनजर गणेशोत्सव आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। इसकी जगह एक हफ्ते तक रक्तदान और प्लाज्मा दान शिविर स्थापित किया जाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो द्वारा मशहूर समाज सेवी और बिजनेसमैन वेमन सलमा लखानी को अल्बर्टा की नई लेफ्टिनेंट गवर्नर नामजद किया गया है। वे अपना पद संभालने के उपरांत अल्बर्टा की 19वीं और कनाडा की पहली मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर होगी।